चलिए थोड़ा हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। कथा का पूरा हमको आनंद लेना चाहिए, उसके हमको रस में डूबना है। यदि हमने कथा सुनी और ध्यान से नहीं सुनी तो सारा आनंद कोई दूसरा ले जाएगा। और हमारे परमात्मा का विवाह हुआ, उसके बाद विश्वामित्र जी ने कहा जनक जी से, दशरथ जी से, अब हम जाना चाहते हैं। और वे निकल गए, कहते हैं विश्वामित्रे गते राजा वैदेहं मिथिलाधिपम्। आपृष्टवैव जगामासु राजा दशरथ पुरीं। और इसके बाद अयोध्या के राजा दशरथ जी भी बोलते हैं अब हमको भी जाना चाहिए। बारात तो बहुत हो गई, तो दशरथ जी भी चाहते हैं अब जाएं। थोड़ा आवाज दे, थोड़ा से आवाज थोड़ा सही करना भैया थोड़ा। और अथ राजा विदेहानां ततो कन्याधनं बहु गवां सहस्रस्राणि बहूनि मिथिलेश्वरः कम्बलानां च मुख्यानां क्षौमान् कोटम्बराणि च हस्तस्त्रस्पदातं दिव्यरूपं सलकृतम्। कहते हैं विदेहराज जनक जी ने ढेर सारा दहेज दिया, गुरु जी लोगों को ढेर सारी दक्षिणा दी। हमारी माताएं दक्षिणा देना भूल गई, लेकिन ठीक है, कुछ माताओं ने जो है दक्षिणा पहुंचाई है, कुछ माताएं उधार कर दी हैं, कोई बात नहीं। और कहते हैं बहुत सारा